इतने अच्छे से रेनोवेट कर रहे हो इतना बड़ा बन रहा है लेविश बन रहा है और उसके साथ-साथ इतनी बड़ी खुशी एक साथ कैसे इस चीज को कैसे मतलब ये फीलिंग कैसे है ये बताओ आप मेरे को सबसे पहले तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है आशीष ऑनेस्टली बिकॉज़ यू नो दोनों खैर दिस इज प्राइसलेस इसका ये एक uh, ऐसी चीज है जो चाहे आप एक एज अ लेडी बोल लो चाहे आप एज अ कपल बोल लो हर चीज़ में ना ये एक आपकी लाइफ का स्टेज है जिसका आप इंतज़ार करते हो एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज़ वेन यू आर टोटली प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस फेज तो मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए ये तो बहुत प्राइसलेस है एंड ये जो पूरी अब तक की जर्नी बीती है इन पिछले सेवन uh, मंथ्स की मैंने बहुत इंजॉय किया है और मैं ज़्यादा uh, uh, इस चीज़ को इन्जॉय कर पा रही हूँ बिकॉज़ मैं फ्री हूँ तो मैं अपने तरीके से जब सोना है तब सो जाती हूँ जब घूमने का मन करे अच्छा चलो आज गाड़ी लेके निकल गए घूमने के लिए सो नो इट्स द मोस्ट मैंने कई बार ये पहले भी अपने ब्लॉग्स में कहा है कि आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैं उन लकी लेडीज़ में से हूँ जो uh, अपनी प्रेगनेंसी का फेस अपने हिसाब से रह सकती हैं बिकॉज देर आर और मुझे कभी भी अगर लगता है ना कि अरे मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो मैं हमेशा जब हिम्मत ढूंढती हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिन लेडीज़ को शायद इस फेज में काम करना पड़ रहा होगा और ऐसे कई लेडीज़ हैं हम आस जानते हैं सो टू डू दैट एंड टू हैव योर एंटायर फेज अकोर्डिंग टू योर ईज अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट जोन इस इज अ ब्लेसिंग सो दिस येस एंड इट वॉज़ अ ड्रीम टू हैव अग हाउस यू नो टू हैव दो लग्जरीज हर एक को ना किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो हर के मतलब एक रूम अच्छा बड़ा हो वो uh, स्वीट वाली फीलिंग हो यू you नो know, so, वो ऑल दोज स्म स्मॉल थिंग्स सो वो पॉसिबल हो पा रहा है और uh, वही कहते हैं ना कि लाइफ जब अपनी लाइफ आप ना प्लान करके जब ऊपर वाला आपके लिए प्लान करें तो वो इतनी खूबसूरती से प्लान होती है ना कि uh, आप उसे एक्सेप्ट करने में भी आपको लगता है कि ये अच्छा ये ये सच में हो रहा है यू नो इज दिस रियली हैपनिंग नाउ तो जब वो बीच की वॉल जो परसों डिमोलिश हुई और हम लोगों ने देखा तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बस देख ही रहे थे शोएब भी एंटर हुए एंड ही वाज लाइक ओके हो गया हो गया एंड दैट फील नमी और चमक एक साथ थी yeah. और वो जब वो आप याद कर रहे थे नॉस्टैल्जिक हो रहे थे कि कैसे जब पहला Absolutely. आप ले रहे थे डाउन yeah. पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वो सब चीजें वो मेरे ख्याल से यादों के जरोखों में आप चले गए थे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो वक्त वो था जब शोएबर मैं एक्चुअली वी वर नॉट इवन यू नो टेक्निकली डेटिंग डेटिंग वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑब्वियसली लेकिन वो एक दूसरे को ओपनली बोला भी नहीं था वो तो वो फेज था वी वो वेरी गुड फ्रेंड्स सो वो घर जब आया तो लेना था, लेना था लेना था लेना था तो लेकिन फिर हम लोग बैठे हैं नाइ बोज लाइक यार कैसे करेंगे ये वो सो so, देन uh, वो अंकल के सामने मैं बैठी थी एंड आई मस्ट रियली है थैंक यू अंकल अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्यों उन्होंने ना मेरी चीज़ को बहुत प्यार से समझा था कि ओके okay, पहला घर ले रही है एंड ऑल तो मैंने बोला था अंकल चार महीने तोड़ तोड़ के आपको डाउन पेमेंट करूंगी एंड देन द नेक्स्ट मंथ यू टू वेट टिल द टाइम आई गेट माई चेक देन आई डू द रजिस्ट्रेशन पेमेंट सो फ्रॉम देर यू नो द जर्नी बिगैन एंड ऑल द स्ट्रगल अप्स एंड डाउन एंड टूगेदर शोएब ने और मैंने ये जो पूरी लाइफ पिरोई है ना इट्स इट्स जस्ट लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है कि उसको तोड़ नहीं सकते एडजस्टमेंट आपको वो मिल गया और उसके साथ तो ये एक साथ जब आप जैसा बोल रहे हो की ऊपर वाला प्लान करता है उसकी प्लानिंग है और ये सब इसलिए क्योंकि आपका आप लोग खुद इतने खूबसूरत लोग हो आपका दिल इतना खूबसूरत है अपने लोगों से अपने फैन से अपने परिवार के साथ जिस तरीके से जुड़े रहते हैं, वो कमाल थैंक यू बस यही कोशिश रहती है कि अनजाने में तो ऑब्वियसली हर किसी से गलती होती है हमसे भी होती होगी कभी अनजाने में किसी का दिल भी शायद दुखा दिया होगा डेफिनेटली हम इंसान हैं गलतियां है, सबसे होती हैं लेकिन जानकर कभी शोएब और मेरा दोनों का यही रहता है कि अपने आसपास के जो लोग हैं यू नो उनके बारे में जितना सोच सकें जितना ख्याल रख सकें और जैसे कि सबको पता है कि यू नो you know, वो वी आर ब्लेस्ड टू बी टू पीपल जो घर संभालने वाले हैं एंड हमने कभी आई uh, थिंक हमने ये चीज़ दोनों ने शोएब ने और मैंने uh, शायद इसलिए हम इतने कम्पैटेबल भी हैं क्योंकि हम दोनों का थॉट प्रोसेस ये है कि ओके इफ वी आर द वंस हु हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हाँ ठीक है ओके okay, हम सबको लेके चल रहे हैं एंड uh, uh, मैं एक चीज़ बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि ऊपर वाला अगर आपको जिम्मेदारियां देता है तो आपके कंधे वही मजबूत करता है तो यू नो इट्स इट्स नॉट की ऑब्वियसली आप बस ईमानदारी से अपना काम करते जाओ बाकी चीज़ें जो हैं और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए पूरा खेल पूरा दारोमदार जो होता है का जिंदगी का वो पूरा नीयत पे ही रहता है कि आप करो आप अच्छी नीयत से करो कि आपको आपके दिल में कोई मलाल ना हो कि अरे यार मुझे अब ये करना पड़ेगा नहीं वो नहीं होना चाहिए अगर आपने कोई जिम्मेदारी उठाई है तो वो खूबसूरती से साफ दिल से आप निभाने की कोशिश करो एंड आई थिंक वी 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 बीन ब्लेस्ड इन दैट वे वो जो रिश्तों की वो जो प्योरिटी है जो खूबसूरती है वो इतनी कमाल है मतलब मैं हैरान होता हूँ नॉर्मली क्या होता है ना कि किसी रिश्ते में कपल्स में खास कर कि अगर मियाँ हैं वो बहुत ध्यान दे रहे हैं पति बहुत ध्यान दे रहे हैं तो पत्नी थोड़ा वैसे कैजुअल रहती है नॉर्मल इधर दोनों लोग एकदम बैलेंस है मतलब वो जो गाड़ी की है ना वो आपके दोनों ऐसे पहिए हैं जो इतने बहुत, वो भी पता है वो दिखता वो नहीं है, <laughs> वो दिखता है नहीं क्योंकि वो हम दोनों के बीच में रह जाता है मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटिफुल uh, हिस्सा है शोएब। यू नो चाहे वो uh, ऐसा नहीं है हम हा, और हम एक परफेक्ट कपल है हमारे बीच में बहुत लड़ाइया होती हैं हम बहुत लड़ते हैं हम uh, ए, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से ज्यादा देर ना बात करें ऐसा नहीं हो सकता भले लड़ते रहेंगे लड़ाई में ही बात करते रहेंगे लेकिन बात जरूर करते रहते कम्युनिकेट जरूर करेंगे तो और अब तो लड़ाइयों की आदत हो गई है तो <laughs> तो वो भी कौन ज्यादा तो, लड़ता है मैं, लड़ता मैं, लड़ता। मैं, <laughs> कौन होता है दोनों में दिखता है इतने हमेशा तो इतने बबली इतने मुस्कुराते हुए इतने वही ना यहाँ बबली दिखती हुई जो भी गुस्सा होता है वही निकलता है

अब है तो आदत से मजबूर तो करेंगे फिर कुछ दिनों बाद कहानी हो जाती है रहेंगे ना, ये <laughs> भाई, को ना ये मानना पड़ेगा एक, एक तो आप की तारीफ करने के लिए मतलब वो मौके इतने देते हो कि सोचना मुश्किल है भाई मैं यही पूछना चाह रहा था की जैसे उन्होंने खुद से मतलब ये तो लोग छुपाते हैं वो बता रही है कि गुस्सा भी होती हैं मनाते भी आपको आपको कभी गुस्सा नहीं आता नहीं गुस्सा आता है मुझे क्यों नहीं गुस्सा आता और मेरे ख्याल से गुस्सा आना भी चाहिए अगर इंसान जिससे प्यार करता है उससे अपने सारे इमोशंस नहीं शेयर करेगा ना तो चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो चाहे वो रूठना मनाना नाराजगी हो कि कोई चीज इंसान की बुरी लग जाती है उसको मेरी मुझे इसकी आप बोल के ख़त्म कर दो आप गुस्सा कर लो क्योंकि दिल में रखना वो किसी भी रिश्ते में वो ठीक नहीं है दिल पर रखना अच्छा फिर आप उस चीज़ को सोचते रहो फिर आप कभी उसे बोलना और फिर जब आप चीज़ें दिल में रखते हो तो आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आती रहती है फिर और ज्यादा आप फिर इंसान को जज करने लगते हो क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी पचास चीजें चल रही होती है आपने शेयर नहीं की होती अच्छा ये ऐसा अच्छा ये वैसा फिर वो अच्छा इसलिए ऐसा ऐसा मत करो आप गुस्सा करो प्यार में हर एक इमोशंस दिखाओ आप गुस्सा दिखाओ प्यार दिखाओ नाराजगी दिखाओ कोई चीज अच्छी नहीं लगी आप उसी वक्त उसको वहाँ बोल दो और ख़त्म करो आई थिंक यही एक रिश्ते की एक रिलेशनशिप की यही खूबसूरती है दो लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो ज़ाहिर है पसंद, पसंद, सा नहीं हो सकता लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ती रहे उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि ने कहा है, तो सारे इमोशंस हों और चीजों को वहीं खत्म मतलब फुल स्टॉप एक वो होता है ना क्लोजर आप हर मुद्दे का क्लोजर करके आगे बढ़ते जाओ यही चीज मैंने एक बार बहुत पहले बोली थी कि में कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता और

नहीं मैं बिल्कुल ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते ये इतनी फिर खूबसूरत थॉट्स कहाँ से आते हैं क्योंकि एक ये जो आप बोल रहे हो ये या तो लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से आएगा या फिर आप बहुत पढ़ रहे हो बहुत चीजें आप समझ रहे हो उनसे आता है आई थिंक इट्स दी एक्सपीरियंस वन सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं शोब को जानी हूँ uh, शोएब लाइफ को लाइफ के रिश्तों को बहुत वैल्यू करते हैं क्यों ना जब आप चीज़ों को वैल्यू करते हो ना तो ये सारी जो फिलोसफी है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती दिस इज दीज़ आर थिंग्स अबाउट लाइफ वेन यू वैल्यू समबडी यू नो की आ, और गलतियाँ जैसे मैंने कहा होती हैं लेकिन आप उन गलतियों से सीखते हो और आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आ, येस ऑब्वियसली आज हमारे पास हज़ार चीज़ें हैं हज़ार ऑप्शनस हैं जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं लेकिन अगर हम आज से बीस तीस साल पहले की बात करें यू you नो know, जब अगर देखा जाए तो रिश्ते और मजबूत माने जाते थे जो uh, बहुत पहले के लोग थे उनमें और ज़्यादा गहराई डेप्थ उनमें और ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसा माना जाता था तो तब तो वो कुछ पढ़ते नहीं थे hmm. तब तो उनके पास कुछ अवेलेबल ही नहीं था तो ये होता सबके अंदर है लेकिन उस चीज़ को निकालना और उसे uh, इतनी खूबसूरती से जीना आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट ही डज एंड नॉट ओनली विद वन रिलेशन मैंने uh, इनको मिलने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि एक शादी को सक्सेसफुल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ अदर रिलेशंस आल्सो हम हमेशा कहते हैं कि लड़की आती है तो लड़की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिल्कुल होता है लेकिन उससे ज़्यादा लड़के का होता है क्योंकि लड़की तो आ गई अब सैंडविच तो इन्होंने बनना है यू <laughs> नो <You know? laughs> तो अपने अपने घर की मैंटेलिटी इनको पता है लड़की की मेंटालिटी इफ इट्स अ लव मैरिज इनको पता है तो वो दोनों को बैलेंस करके बीच में ब्रिज कैसे करना है एंड दोनों की कंपैटिबिलिटी एक पेज पे कैसे लानी है अब वो आपने कहीं पढ़ाई की तो भाई मुझे नहीं पता वो एक्चुअली सी क्या भाई जैसे आपने बोला ना कि इंसान सब कुछ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मैटर करता है और यस नो मैंने बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी देखी हैं चाहे वो रिश्तों को लेके हो चाहे वो किसी भी रिश्ते को लेके हो दोस्ती को लेके हो प्यार को लेके हो अपने जो रिलेशन होते हैं वो देखा है और मैं हमेशा से मैं दीपिका से बोलता भी था जो हमारी शादी नहीं हुई थी हम लोग मिलते जुलते दे थे डेट करते थे तो उस मैंने दीपिका से बोला था मैंने कहा यार दीपिका मुझे ना मुझे वो इंसान नहीं बनना है जैसा मैंने अपने आँखों के सामने देखा है अपने आस के लोगों को कि जब बीवी आती है ना तो इंसान लड़का स्पेशली कैसे बदलता है

और मुझे वाला था कि ने कमाल तरीके से, अपने है। वो पानी जिस तरीके से किसी भी बर्तन में एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स का हर चीज का भी जैसे घर बन रहा है या बाथरूम की फिटिंग्स है <laughs> या बेडशीट कैसी होनी चाहिए अम्मी का घर कैसा होना चाहिए उसमें फ्रिज कैसा होना चाहिए हर एक चीज ये भी अपने आप में मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपका मतलब ये लोग करते हैं ठीक है आपका ये कर्तव्य है लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको इस तरीके से इतनी शिद्दत से लोग निभाते हैं लेकिन आपने भी उसको पूरी तरीके से ढल गए उसमें आप इसके पीछे भी रीजनस हैं पहली चीज़ हमने बहुत वक्त साथ में बिताया स्पेशली अम्मी सबा मैंने पापा ने हम लोगों ने बहुत वक्त जो है वो लिटरली साथ में बिताया है

एंड uh, मुझे अपने घर पे ये सब चीज़ें करने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि ये एनवायरनमेंट नहीं था तो शायद वो जो एम्प्टी स्पेस मेरी लाइफ में था वो अम्मी और के आने से कंप्लीट हुआ है सो मे बी दैट्स वाई यू नो एवरी थिंग जस्ट फेल इन टू प्लेस लाइक द राइट पीपल टूगेदर एट द राइट टाइम तो वो जैसे शोएब ने कहा कि इम्परफेक्शन्स तो उसमें क्या होता है कि आप जिंदगी में जगहें भरते हो तो हमारी जिंदगी में एज अ फैमिली जो जगहें हैं वो बहुत परफेक्टली भर दी गई तो और इसमें उन लोगों की भी तारीफ करूंगा कि अम्मी अब अबू या सबा जिस तरीके से या सभी लोगों ने हंड्रेड परसेंट मतलब वो 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 दिखता है वो जो रिश्ते की वो गर्माहट है ना वो सब चीजें दिखती बिल्कुल. है वो गर्म जोशी की ऐसा नहीं है की वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं नहीं वो नहीं, है, नहीं, वो, है नहीं, वो दिखती है मतलब मैंने आस पास कितने कितने सिचुएशन देखी है कितने घर देखे हैं जिनका या तो रिसेंटली शादी हुई है या काफी समय से हुई है तो डॉटर इन लॉ के अपने इशूज चल रहे हैं मदर इन लॉ के अपने इशूज चल रहे हैं दोनों थोड़ी गलत भी हैं दोनों सही भी हैं लेकिन वो एक पेज पे नहीं आ पा रहे hmm. तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हमारे बीच में इश्यूज नहीं थे ऑब्वियसली वी केम फ्रॉम वेरी डिफरेंट लाइफ उसमें इन जनाब ने बहुत अच्छा जैसे कि मैंने कहा बैलेंसिंग ब्रिज बनाया लेकिन जितना मेरी तरफ से वो था एक अप्रोच था मैं कहूँगी अम्मी का उससे डबल था मैं हमेशा अम्मी के लिए ये चीज बोलती हूँ कि कमिंग फ्रॉम सच अ स्मॉल बैकग्राउंड यू you नो know, एक लेट आप एक्सपेक्ट करते हो कि और स्पेशली इस एज में जब आप आ जाते हो ना तो एक रिजिडनेस आ जाती है जो बहुत नॉर्मल होती है hmm. वो कोई नेगेटिव रिजिडनेस नहीं होती क्योंकि आप इतने सालों से अपनी जिंदगी एक तरीके से एक पर्टिकुलर वे में जीते आए हो पर अम्मी ने वो सारी चीज़ें तोड़ी हैं एंड हाँ नहीं ठीक है बेटा हाँ तुमको ऐसे अच्छा लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है लाइक like, अब आज जब मैंने उनका घर उनके वे में बनाया है तो उन्होंने मुझे पूरी छूट भी दी थी कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो देख like, मुझे अभी भी फ्रिज लेने जाना है तो उन्होंने मुझे सिर्फ बोला बेटा मेजरमेंट ले लो तुम्हें जैसा ठीक है वो देखा मैंने सो दिस वो ताली चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो एक हाथ से नहीं बचती दोनों तरफ से इट हैज टू बी इक्वली बैलेंस्ड सो

अलीबाग में पराठे बनाए थे फर्स्ट एनिवर्सरी पे सो ये कैसे बने थे बहुत अच्छे में देखो मुझे ना खुद से बनाना नहीं आता है कि कैसे बनाते जब आ, ये वहां थी, आ, सिमर का शूट कर रही थी और मैंने चिकन बनाया था तो इसी की लेकिन हाँ मुझे खुद से नहीं पता है कि क्या डालना है कितना पकाना है अगर मुझे कोई बता दे और देख लूँ तो मैं नहीं अच्छा बना हाथ में स्वाद है और इनको अंदाजा है मतलब कभी कभी मैं ऐसे हैरानी से देखती मैं आप पक्का पहली बार बना रहे हो ना तो इनको आपको अंदाजा लगा ले इसे चलाकी मत करो <laughs> वो सब वो हाँ, और वो बकायदा हाथ से डालते हैं वो ये नहीं कि चम्मच से अच्छा दो चम्मच बोला है तो दो चम्मच डालूंगा नहीं वो बकायदा नमक पमक सब हाथ से बिंदास ऐसे एकदम शेफ की तरह डालते हैं <laughs> और आपको ये भी कंफर्म है कि जो होने वाला बच्चा है वो इनकी तरह जाने वाला है मूडी भी है आई कैन ऑलरेडी फील इट <laughs> I can already feel it, 100%. इतना confidence कैसे? बिल्कुल, आपने ये भी बता भी बताया है. Yes. हाँ, वो जो भी है जैसा भी, जैसा या जैसी, जैसा हाँ. उसको चाय तो बहुत पसंद हाँ आपको चाय पसंद है तो इसको भी चाय क्योंकि जब जब दीपिका ने चाय उसको पता है जुड़ा है तो वो नहीं पसंद करेगा तो दिक्कत जब जब दीपिका ने चाय है चाय का एक है ना उसके अंदर हलचल मोमेंट हुआ

क्योंकि हम हाँ। दोनों की उस वक्त अभी तो डाइट की वजह से बहुत चेंजेस कर लिए हैं <laughs> बट उस वक्त हम दोनों की आदत थी कि दिन के आप छे कप पिला दो आप आठ कप पिला दो चाय हाँ दो। आने दो इट वॉज लाइक दैट तो वो एक एक था कि अच्छा चाय मैं चाय, रही तो, चाय पी रही हूँ तो शaib चाय पीोगे हाँ चलो चाय तो की जिंदगी में आप दोनों की बहुत बहुत ज्यादा महत्व चाय मोहब्बत है yes, बिल्कुल बिल्कुल <laughs> चाय एन इमोशन इमोशन बिल्कुल चाय पीने वाले लोग खुश हो रहे होंगे मतलब कॉफी वॉफी अभी तक हमें कनेक्ट नहीं करती बट वो तो आप ब्लैक कॉफी पीते हो मैं तो नहीं <laughs> जिम के वजह मुझे भी मैं उन मेमोरीज में आपको ले जाना चाहता हूँ क्योंकि अब नई जिंदगी शुरू हो रही है वो जो आने वाला मेहमान है उसको भी उस यादों में जाकर ना बड़ा अच्छा लगेगा हमेशा ये बोलती हूँ आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स वाई वी आर सो स्ट्रोंग इज़ हम दोनों uh, हम दोनों लाइफ के सबसे डिफिकल्ट फेज में थे जब हम जुड़े और हमारा रिश्ता एक दोस्ती के दायरे से कब हम दोनों इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए कि uh, वो एक नेक्स्ट लेवल पर रिश्ता चला गया उस वक्त हम इस मेंटल फेज में थे ही नहीं कि अरे चलो ठीक है डेट कर रहे हैं हाँ घूम रहे हैं हाँ चलो शोएब मिला है ठीक है दीपिका मिली है यू नो वी आर इंजॉइंग दैट फेज या अरे प्रपोज करना है वो. हम हम उस मेंटल फ्रेम में ही थे दोनों शोएब की लाइफ में अपने स्ट्रेस चल रहे थे और मेरी लाइफ में मेरा अपना स्ट्रेस चल रहा था तो वी बॉन्डेड ऑन अ वेरी मेचोर लेवल तो वो कब uh, आगे बढ़ के इट वॉज अ वेरी अनसेड इट वॉज अ वेरी यू नो एन इमोशन

इसकी मुझे परवाह नहीं है अच्छा लगता है बट वो शुरू से पहले से था नहीं मैं हाँ. कि ज्यादा उस चीज को एक्सप्रेस कर पाऊँ बट धीरे 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 जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ अपने आप को चेंज कर रहा हूँ बहुत और... बहुत. हमारे, हमारे गानों से बहुत कनेक्शन रही है बहुत ज्यादा तो आ, हम लोग जैसे कि शोब ने कहा हम लोग ड्राइव पे निकल जाया करते थे तो देर वर फिक्स सॉन्ग्स दैट वी यूज टू प्ले एंड जैसे सबसे ज्यादा तो हमने आई थिंक सुना है सबसे ज्यादा इश्क सुना है उसके बाद हमने तेरी मेरी बहुत सुनाया है बॉडी गार्ड का <laughs> ये एंड देन दे लॉट ऑफ नाइन्टीज सॉन्ग्स जो हम लोग सुना करते थे सो so, uh, वो जब चीज़ें शुरू हुई थी ना तो इशारे गानों के थ्रू होते थे हमारे

ऐसे समय में जब एक दूसरे को समझने वाला मिलते हैं जी। जैसे आप हैं या शोएब भाई हैं मेरे ख्याल से वो उसमें ना कहने की जरूरत नहीं, नहीं है वो एक दूसरे के नहीं लिए नहीं ना वो एक तरीके से ज़रूरत भी बन जाते हैं। Absolutely. Uh, जरूरत तो uh, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा वर्ड है क्योंकि मैं तो इन्हें हमेशा कहती हूँ कि और मैं ये सब जानते हैं कि मेरी जिंदगी में हैड ही नॉट बिन देर आई मुझे नहीं पता कि आज में किस सिचुएशन में होती चाहे आप करियर वाइज ले लो बिकॉज हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी है कि आपको एक मेंटल सपोर्ट एक घर से सपोर्ट यू नो व्हेन यू गो बैक होम यू नीड समबडी कि हाँ कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है तो uh, मुझे नहीं पता बिकॉज मैं बहुत डिफ़िकल्ट फेज में थी मैं आई वॉज नॉट मी मैं आई वॉज लॉस्ट तो अगर शोएब मेरी जिंदगी में नहीं आते एंड मुझे uh, खुद से नहीं मिलवाते तो मैं आई डोंट नो मैं इस वक्त मैं लाइफ में क्या कर रही होती कहाँ होती ठीक होती भी कि नहीं होती आई हैव नो क्लू सो फॉर मी मीटिंग हिम हिम कमिंग इन माई लाइफ इज लाइक इज लाइक स्टार्टिंग अ फ्रेश सो यू नो मैं हमेशा शोएब को बोलती हूँ कि एवरीबडी uh, सेज़ ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि यार बचपन बड़ा अच्छा था हमें वापस अपने बचपन में जाके जीना एंड वी वॉन्ट टू लिव दिस फेज एंड कॉलेज लाइफ अच्छी थी या ये वो मेरे लिए मुझे कहीं नहीं जाना इफ यू आस्क मी एज अ पर्सन दिस इज़ द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ आई विल नेवर वॉन्ट टू गो एंड रीलिव एनी थिंग क्योंकि मेरे हर हर जिंदगी के हर टुकड़े में एक ब्लैक पैच है एंड ब्लैक पैच ऐसा है जो मैं दोबारा नहीं रीलिव करना चाहती So, इन्होंने वो किया चाहे वो मेंटली हो चाहे वो मुझे प्यार देना हो चाहे वो कोई भी चीज हो, हर चीज़ में ही ही हैज़ द यार जो एक-एक शब्द जो आप बोल रहे हो ना इतना दिल से निकल रहे yeah. वो है दिल को यार ये. <laughs> <laughs> मतलब हाँ हम लोगों ने ना जब से हम लोग मिले हैं जो हमारी फ्रेंडशिप थी जो हमारा रिलेशनशिप हुआ उसके बाद भी जैसे कि दीपिका ने बोला कि हम लोग लाइफ के ऐसे फेस पे मिले है ना कि जब ऑलरेडी हम लोग बहुत चीजों में उलझे हुए थे और उस वक्त जब हम क्लोज आए तो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है हम हमारे एक दूसरे दूसरे को को समझना मतलब इतना ज्यादा समझने लगे हैं कि अभी हमें किसी को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है हमने अच्छे मोमेंट्स लाइफ में बाद में देखे हम पहले जब मिले तो हमारी लाइफ में पापा की तबीयत खराब हो गई थी 2013 की बात है पापा की तबीयत खराब हो गई थी उनको हेमरेज हो गया था और रातों रात मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं कैसे क्या होगा कैसे क्या चीजें है नहीं? वो रात मतलब मुझे आज भी याद है हाँ, फ्लाइट की के, के टिकट मैं था तो दीपिका ने बोला कि कहाँ हो तुम मैंने कहा ऐसा तुम घर आओ तुम हाँ. आज रात में घर पे रोको तो मैं गया मैं था अभिषेक था दीपक, था दीपक था एंड 31st की नाइट थी ठीक है न्यू ईयर का शो शराबा हर जगह चल रहा है चल रहा है लेकिन मेरे दिल में जो हो रही थी ना, मुझे मिली। उस की कोई फ्लाइट नहीं थी एक फ्लाइट मिल रही थी डेली वाया वाया एनी विच में सुबह वो आठ बजे पहुंचने वाली थी और सुबह छह बजे एक डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो वो रात जिस तरीके से मेरी गुजरी है एंड देन जिस तरीके से इसने रात भर जागी सपोर्ट किया आपको नेगेटिव चीजें बहुत दिमाग में आती हैं थॉट आता है था। 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 तो उस वक्त सिर्फ मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था कि मैं पापा से मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा मैं उनको देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा यू नो वो सारी चीजें एंड देन उसके बाद फिर मेरा वहां पे जाना कांस्टेंट इसका टच में रहना हॉस्पिटल में बात करना डॉक्टर को बात करना क्योंकि उसे पता है कि मैं कहने को मैं बहुत स्ट्रॉग हूँ बहुत स्ट्रांग हूँ लेकिन जहां मैं अपनों को तकलीफ में देखता हूँ ना मैं टूटने लगता हूँ बट तब भी उसके बाद में लाइक अभी अभी फिर पापा की जब 2021 में पापा की तबीयत खराब हुई थी

तरह से हम दोनों उससे ओवरकम निकले मैंने कर्जा लिया है इसने कर्जा लिया है फिर किस तरीके से इसका कर्जा मैंने धीरे धीरे करके चुकाया है जब मुझे अच्छी चुकाने के बारे में तो उसने चुकाया है हमारे शुरू से ना पैसे में कभी तेरा मेरा नहीं रहा कभी नहीं रहा कभी नहीं, कभी नहीं रहा आई डोंट नो वो एक शायद वो एक अगेन मैं क्या बोलूं से मुझे पता नहीं बट कभी दोस्तों में भी आप कर लेते हो यार बट वो कभी रहा नहीं शुरू से हमारा शुरू से हमने हर हर मुश्किल को हम दोनों ने साथ में फेस किया है पर चाहे वो इंडिविजुअली मेरी हो या इसकी हो हमने मुश्किल को पर्सनली ना समझ के हमने हमारी, हमारी समझा, समझा, समझा कि अच्छा ओके तुम पे दिक्कत है मतलब ये हमारी दिक्कत है हम इसको सॉल्व करेंगे साथ में तो आई थिंक यही एक रीजन है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे बढ़े हैं और बस इंशाल्लाह सफर चलता रहे क्या हाँ लाइफ में देखा है बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कई चीजें लोग बोलते रहते हैं चीजों को लेकर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता ये झूठ बोलते हैं फेक करते हैं ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि ओके ठीक है शायद हम उनको भी गलत नहीं बोलते क्योंकि जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है आज की डेट में रिश्तों की रिलेशन की एक कपल की

आ, मुझे नहीं लगता उनको आपको जरा भी अपने जहन पे नहीं कभी, कभी नहीं कभी कभी सी क्या होता है ना कि जब जैसे मैं हमेशा बोलता हूं उस चीज़, जब कभी कभी बहुत सारी चीजें होने लगती है ना तो आपको भी गुस्सा आता, है, आता है जो बहुत चैनुन है बहुत नेचुरल है सिर्फ इसलिए क्योंकि और हाँ पब्लिक जो कुछ ऐसे होते हैं वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हेलो आप नहीं बोल सकते आप जवाब नहीं दे सकते क्यों क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो यू नो तो वो सारी चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक आम पब्लिक के लिए है लेकिन अगर कोई पब्लिक अगर कभी अपने दिल की भड़ास नो निकाल दे निकाल कभी, दे कभी बोल दे के ऐसा वैसा तो उनको तकलीफ होती है बट आई थिंक ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के दिल में जो कुछ भी है वो उसको बोल देना चाहिए अच्छा बुरा जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ गुस्सा आता है मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ जब इंसान को प्यार दिखाना है पब्लिक को मैं उतना ही उनको ग्रेटिट्यूड भी शो करता हूँ मैं मैं उनको उतना ही प्यार से मतलब बोलता हूँ कि आपका शुक्रिया आपकी वजह से ही हम लोग हैं मैं हमेशा बोलता हूँ देने तो वाला करने सच वाला There is a, a very big uh, section of audience जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है especially YouTube के बाद जिस तर, जिस तरीके का प्यार हम लोगों ने experience किया है मतलब हम कई बार ना आशीष हम दोनों ऐसे एकदम speechless हो जाते हैं हम एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं and we we just smile and we don't have words because especially जब हम मेरी बर्थडे के लिए जब हम लोग दुबई गए थे वहाँ पे लोग आके सिर्फ मॉल में दो दो चार चार घंटे घूम रहे हैं कि शायद हम दिख जाए एंड द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स जब एल्डरली लोग मिलते हैं द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दैट दे शावर अपॉन अस एंड द लव दैट दे सेंड फॉर द फैमिली आज की डेट में कोई क्यों करेगा मतलब जेन्यनली आज की डेट में हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कोई क्यों लाइक like, उसी दिन हम लोग बाहर थे तो एक आंटी आई एंड शी लुकट मीन शी सर God bless you. And she just went. You know, that meant so much to me. तो ये सब चीजें बहुत priceless हैं इनको ये कहते हैं ना कि इज्जत और प्यार कमाना बहुत मुश्किल होता है पैसा तो चलो आप जैसे तैसे करके सही गलत जो करके हर कोई इंसान अपना तरीका निकाल लेता है जिसकी किस्मत में जितना होता है उतना मिल जाता है लेकिन इज्जत और इस तरीके का प्यार मिलना ये ये एक एक ही लगती है। Generally, मतलब हमारी society में हमें खबर मिलती है कि कुछ लोग हैं जो रात भर से बैठे हुए हैं और वॉचमैन उन्हें अंदर भी नहीं आने दे रहे क्योंकि ऑब्वियसली बात है सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं चीजें होती हैं वो उनको अंदर भी नहीं आने दे रहे लेकिन सुबह जब मैं जाता हूँ अब्दुल भाई आते हैं भाई एक लड़की एक लड़का सुबह रात को दस बजे से बैठे हुए हैं तो